अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी, और चिकन जलफ्रेज़ी मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो चलते हैं उनके पास किचन में, देखते हैं चिकन जलफ्रेज़ी कैसे बनाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी और इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसके अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गोश्त। मैंने गोश्त शामिल कर दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाला है और फिर मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो। यहाँ पर गोश्त को हम फ्राई करेंगे ऑयल में। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है तैयार है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ही अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और इसे डाल के हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन की बॉडियों को, ताकि जो गोश्त की हीट है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमारी बॉडियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारी जो बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर जो है उसकी स्किन पूरी हट जाए तो उसका एक तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने टमाटर इसमें डालना है। ये देखें, ऐसे हमने सारे टमाटर जो हैं स्किन के साथ वो ऐसे रख देने हैं और 5 मिनट तक ढक के पकाना है। उससे ये होगा कि जो टमाटर की जो स्किन है वो सारी रिमूव हो जाएगी, उतर जाएगी, और फिर जो हमारी ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। तो आज हम चिकन जलफ्रेज़ी बना रहे हैं, तो चिकन जलफ्रेज़ी में टमाटर हमेशा ऐसे ही रखे जाते हैं और ये सारी स्किन हमें बिल्कुल रिमूव कर देनी है, ताकि हमारी जो ग्रेवी है चिकन जलफ्रेज़ी की वो बहुत अच्छी बने। यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए, और उसके बाद टमाटर और चिकन हटाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है इसकी स्किन जो है नरम हो गई है। ये देखें, स्किन हो गई है। अब इसकी स्किन हम उतारेंगे, तो सारे टमाटरों को एक एक करके हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इनकी स्किन रिमूव करते हैं। यहाँ पर टमाटर जो है इसकी स्किन रिमूव कर दी और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम भूनेंगे। ना पकाइए कि टमाटर जो है हमारे खूब अच्छे से गल जाए। टमाटर हैं वो देख रहे हैं आप भूल गए हैं। अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ, शामिल कर रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी का मसाला। मैं यहाँ पे शान का पैकेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत मज़ेदार चिकन जलफ्रेज़ी बनती है, तो ये पूरा पैकेट जो है वो मसाला मैं शान का इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें सारी मसालों की क्वांटिटी बराबर होती है, लेकिन नमक जो है वो थोड़ा मैं शामिल करती हूँ, उसमें कम होता है, तो बिल्कुल थोड़ा ही नमक इसमें ऐड करना है। और अब सारे मसाले को हम डाल के अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिस तरह मैंने काट ली थी लंबी, ये इसमें शामिल कर दी है मैंने। यहाँ पर सारा मसाला जो है हमारा देख रहे हैं घी और छोड़ दिया, और अच्छे से टमाटर भी भून गए सारे। ये ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है, तो मसाला भून लिया हमने। और अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त में 1.5 दही यूज़ किया है, क्योंकि टमाटर भी डाले थे इसके अंदर। दोनों से अच्छी ग्रेवी बनेगी चिकन जलफ्रेज़ी मसाले की।
यहाँ पर दही फेंक के डाला है मैंने, इसको हल्की आंच करके दही डालेंगे ताकि हमारा दही जो है वो फटे ना, बाद में सुबह टेस्ट करेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम टेस्ट कर देते हैं आंच चूल्हे की, दही का देख रहे हैं बब्बा सूट रहे हैं। इसी पानी में हम इस गोश्त को गलाएंगे, चिकन का गोश्त है आराम से दही के पानी में ही गल जाएगा। तो अब इसको गलाने के लिए थोड़ा ढक्कन ढक देती हूँ मैं इसका, और फिर आगे का प्रोसेस इसे इस वीडियो में दिखाती हूँ। इसको मैं ढक्कन ढकेंगे और इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन हटा दिया है, गोश्त हमारा गल चुका है और अब हम इसका मसाला भूनेंगे। जब तक हमारा मसाला आयल नहीं छोड़ दिया तब तक हम इसे तेज़ फ्लेम पर पकाएँगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा जो मसाला है वो ग्रेवी का ऑयल छोड़ दे। छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम ये जो प्याज है इस तरह हमने चकोर बारी काटी दी थी, इस तरह इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज। पहले हम प्याज शामिल करेंगे और फिर जब प्याज हमारा थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इसमें हम शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, प्याज और शिमला मिर्च दोनों इसमें शामिल कर दिए। अब इसको हम चला रहे हैं और अब इसको 5 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो फुल नहीं पकाना है, इनको बस थोड़ा सा सोते टाइप करना है, पूरी गली भी ना हो, थोड़ी कच्ची हो, इतना हमने इन्हें पकाना है। 5 मिनट तक तब तक पकाएंगे जब तक हमारी सब्जियां नरम हो जाए। यहाँ पर हमारी चिकन चिल्ली बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और अभी मैं इसे राइस के साथ सर्व करूँगी दोपहर के खाने में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें मसाला आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ रहा है और बहुत मज़े की बनी है ये हमारी मज़ेदार चिकन जलफ्रेजी तैयार हो चुकी है और उसके साथ मैंने चावल बनाए, तो ये हमारा दोपहर का जो लंच है वो तैयार हो चुका है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना, बहुत मज़े की बनती है। चिकन जलफ्रेजी और राइस हमारे तैयार हो चुके हैं और हमने दोपहर का खाना खा लिया है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यार प्यारे कमेंट्स कीजिए। कल इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।